आप टेंशन मत लो, आप जाओ ठीक है, और अपनी लाइफ में खुश रहो ठीक है। चलो ठीक है, मिलना कभी, हमेशा आपका अच्छा हो, आपके जैसा कोई भला आदमी आज के बिल्कुल। थैंक यू। गजब टूबी वाज आदमी हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे ठीक है। तो गाइस देखो यार, आज देखो बहुत दिन के बाद में एक बहुत बड़ा आदमी पार्क में आया है ठीक है भाई। तो गाइस देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार लाइफ में बहुत सारी परेशानी है यार, सच बताऊँ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हंसाने का काम कर रहे हैं ठीक है, ना कि ऐसा समझो कि बस फनी वीडियो बना रहे हैं ठीक है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कल मैं गया था जोमेटो बॉय बनके, उस लड़की के पास में जिसको मैं पसंद करता हूँ दिल से, मतलब यहाँ से, समझ रहे हो आप यहाँ से पसंद करता हूँ, और यार उसने टिप देना बंद कर दिया। मैम छुट्टे तो नहीं है मेरे पास, छुट्टे नहीं है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए। मैम डेली तो आप मेरे को 100-150-200 टिप देती थी, आज उस टाइम तुम अच्छे थे, अभी अभी तुम खराब हो। मुझे मैम देखो मेरे पास तो छुट्टे तो नहीं है, फिर ऐसा करो मैं 1500 रुपये दे देता हूँ रिटर्न, और 150 रुपये टिप रख लो। अरे टिप अपनी मैं दूंगी नहीं, टिप वाला जमाना चला गया, अब तो टिप के लायक नहीं हो, सच बताऊं। टिप देना बंद कर दिया यार, तो देखो वापस से हम ये 100 रुपये का ये पता नहीं कपड़े वपड़े कितने खर्च हैं, आ गए हैं वापस ठीक है। तो गाइस देखो यार, उस लड़की को आज बुलाना है मुझे ठीक है, और बुलाने के बाद में मैंने कुछ प्लानिंग की है वीडियो के लिए ठीक है, शायद उसका दिल पिघले और वो टिप देना शुरू कर दे। तो आप सोचते रहेंगे ये पॉसिबल नहीं है बेटा, पर हाँ यार पॉसिबल है, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए, है ना? क्या बोला तूने? तो गाइस वो तो सिर्फ एक लड़की है यार, इन शब्दों से ना बहुत कुछ हो जाता है, इन शब्दों से लाखों दुश्मन बन जाते हैं, और इन्हीं एक शब्दों से ना लाखों दुनिया हमारे साथ हो जाती है, है ना? तो गाइस देखो यार परेशान बहुत हो गया, तो अभी लड़की को बात करते हैं और बुलाते हैं, शायद आए ना आए, लेकिन हाँ आएंगे तो आपके साथ वीडियो रहेगी आपके पास में, और अगर नहीं आए तो फिर तो रहन दो, फिर कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई अगेन ओके। तो मैं कॉल करता हूँ उस लड़की को और देखते हैं क्या बोलती है वो ठीक है। और हाँ गाइस, मोबाइल के अंदर 2 सिम है यार, एक तो जोमेटो हुआ है की, और एक मेरी पर्सनल जो उस लड़की को नंबर दिया है, गलती से अगर आगे पीछे हो गया ना भाई, ऐसा कर लेना कर देना पड़ जाएगा कभी ठीक है, लेकिन हाँ यार थोड़ा ध्यान रखते हैं ठीक है। तो करते हैं, कैसे हो? बस बढ़िया, तुम कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ यार, आपको याद कर रहा था सच बताऊँ तो। अच्छा जी, मुझे याद कर रहे थे, पता है क्यों? कि रात को आप सपनों में आए थे मेरे। ओहो, मैं सपनों में? पहली बार कोई लड़की मेरे सपनों में आई है, सच बताऊं तो। झूठ बोल रहा है। वैसे वो कहाँ, ऑफिस में हो क्या? नहीं, ऑफिस से अभी जस्ट में निकल के मैं आया हूँ, वो यार थोड़ा सा ना सच बताऊं तो ऑफिस में थोड़ा सा बोरिंग टाइप हो गया था, तो जो आपने ऑफिस के बाजू में जो पार्क है ना, अच्छा वहाँ पे आया हूँ यार, बस ऐसे बैठा हूँ थोड़ा सा, अच्छा धूप वगैरह यहाँ पे कम थी और गर्मी कम थी, इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। अच्छा, और साथ में कौन है? अकेला ही हूँ। प्यारी समझ गई। अकेले ही हो? हाँ। बढ़िया। वैसे आ जाओ यार, अभी मजा आएगा ना भीड़ यार, अगर अगर फ्री हो तो, अगर ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है तो आ जाओ। ऑफिस में तो मैं काम ही कर रही थी, थोड़ा सा आपका कॉल आ गया। तो चलो, तो टाइम लगेगा? टाइम हाँ 20 मिनट्स बस था, तो फिर आ जाओ, फिर क्या दिक्कत, 20 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, वैसे कुछ काम था क्या आपको? अरे यार रात को जो सपना आया ना वो आपको सुनाना है मुझे, नगर पालिका को बुलाओ।
अच्छा सपना सुनाना है आपको। अरे मतलब क्या सपना, मतलब ऐसे ड्रीम, मतलब पता नहीं वो पूरे होंगे कि नहीं, बहुत बड़े बड़े सपने आए थे। ओ, फिर तो आना ही पड़ेगा। आ जाओ ठीक है। ओके अर्जुन बुलाए और मैं ना आऊं, हो नहीं सकता। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। अब रख रख ये ले। इतनी खुशियां। क्या बात है, क्या बात है। आ जाओ, मैं सुनो लोकेशन भेजता हूँ ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है, ये तो है ना ऑफिस के सामने वाली पार्क। अरे हाँ वो है ना पार्क है, और बेंच बेंच पे बैठा हूँ, ये पता नहीं किसका पेड़ है उसके नीचे। ओके आप मुझे लोकेशन भेज दो, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। ओके तो गाइस देखो यार, लड़की ऐसा लग रहा है कि प्यार करने लगी है। और हाँ यार एक चीज आप बोलते हो कि देखो यार जिस दिन उसको पता चल जाएगा उस दिन वो क्या सोचेगी, है ना। तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो उस लड़की के साथ मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। जब किसी की लड़की के साथ मैं गलत करता है तो उसको दर्द होता है या फिर ऐसा, हम गलत नहीं करूँगा। वैसे किसी के साथ मैं गलत नहीं किया, माँ कसम किसी के साथ गलत नहीं किया दिल से, ठीक है। पर पता नहीं तो भी लोग उल्टा सीधा, पता नहीं क्या बोलूँ मैं, क्यों पता नहीं किसी को बदनाम करके, लेकिन हाँ मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अच्छी फ्रेंड बनाऊंगा उसको, अच्छी फ्रेंड बनाऊंगा। अगर फ्रेंड बनाया और अगर पता भी चल गया तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, मुझे पता है दुख तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ ठीक है यार। तो आने दो, आने तक वेट कर लो ठीक है। और यार टिप के बिना यार सच बताओ तो ज़िंदगी अधूरी है, क्योंकि जिस दिन टिप देती थी साला मैं पूरा दिन घर पे सो जाता था, आपके सामने वीडियो एडिट करके आ जाती थी, लेकिन यार जब टिप नहीं देती तो पूरा दिन वापस घूमना पड़ता, बहन जो पैसे नहीं मिलते यार क्या बोलूँ। वेट कर लेते हैं, 20 मिनट का बोला है लेकिन आधा घंटा तो लगेगा। मेरी मेरी बाकी है कहानी, तेरी मेरी आधी है कहानी, आ गई वो मोड़ पर तू गया जो, छोड़ कर मेरे दिल को तोड़ कर क्या मिल गया। हाय हाय, कैसे हो? बस ठीक है, बैठिए। आज यार सच बताओ ऑफिस में बहुत सारा काम था, और फिर मैंने सोचा यार दिमाग खराब हो रहा है, और फिर मैंने आपको बुला लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और क्या चल रहा है लगे? बस लाइफ में, लाइफ में यार, लाइफ में बस मेरे सपने देख रहा हूं। नहीं सच में तुम्हारे सपने आए थे यार, मैंने सोचा नहीं था कि यार आपको ऐसा, मेरे को आपका सपना आएगा यार, और वो भी ऐसा कि यार कुछ फ्यूचर के बारे में मैंने देखा। क्या पहले तो बताओ कि क्या कुछ चाय पानी कॉफी वगैरह या बार है तो कुछ मंगवाता हूँ। अभी ऑफिस में लेके आई हूँ चाय। अच्छा ठीक, अच्छा सारा कुछ ठीक है। भैया आप इतनी पतली क्यों हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खाते वाते हो गई? नहीं खाती हूँ। देखो मेरी तरह बॉडी बनाओ, देखो यार देखो ये देखो, अभी मेरे को कोई बोलेगा कि हाँ बड़े घर से है ऐसा लगेगा, आपको कोई बड़े घर से लगेगा नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा बड़े घर से। अच्छा नहीं लग रही हूँ, ऐसा लग रहा है गरीब घर से आप। क्यों बेइज्जती कर रहे हो अर्जुन? अरे नहीं बेइज्जती नहीं पागल, बेइज्जती नहीं। देखो यार इतने से हाथ, इतनी सी कमर, पागल थोड़ा सा बॉडी बना के रहो। वैसे क्या खाती है पूरा दिन ये बता मुझे। खाती हूँ। क्या टाइम मिलता है तो खाती हूँ। वरना नहीं खाती क्यों? काम ही इतना होता है यार, काम देखना पड़ता है ना, मतलब पूरा दिन काम काम काम। वैसे खाती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर लंच में, फिर डिनर में, बहुत सारी चीजें। आप क्या खाते हो? आप ऐसे आप मुझे बताओ, मैं भी खाऊंगी आपकी तरह, मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं सच बताऊं तो मैं लोगों का दिमाग खाता हूं। लोगों का दिमाग खाते? अरे नहीं जोक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। वैसे पता है देखो खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर यार मैं सच बताऊं मैं टेंशन नहीं लेता। अच्छा बिंदास, बिंदास रहता मैं। हाँ बिंदास लाइफ, पता नहीं तू टेंशन ले लेके पूरा दिन काम 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 काम। मेरे भी काम आपसे भी ज्यादा प्रेशर रहता है काम का, लेकिन करता रहता हूँ, प्रेशर नहीं लेता हूँ। जब भी दिल हो बिंदास आके पार्क में बैठ, पार्क में बैठा। देखो अभी अभी सोच रहा था कि थोड़ा दिमाग खराब हो गया, फिर मैं आ गया पार्क में। वैसे वैसे मैं यार फाइनली अपनी बात पे आते हैं, मतलब जो सपना मैंने देखा था, सपना यार ऐसा लगा कि यार पता नहीं यार कि अभी जैसे हम दो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड हैं ठीक है, और क्या ऐसे सपने में देख लिया तो बोलने से इतना हिचकिचा रहे हो? अरे यार मतलब सपना ही ऐसा है क्या करूं।
मतलब ऐसा लग रहा है कि यार तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। अच्छा और ऐसा लग रहा है कि बस सुबह उठ के तुम्हें ही देखूं सपने में। मतलब झूठे क्यों? नहीं झूठे नहीं, रियली रियली सपना ऐसा आया कि यार मैं इतना प्यार में पागल हो गया हूँ कि ऑफिस की किसी लड़की में मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा। ऑफिस में छोड़ो यार, लड़की की तो बात छोड़ो, ऑफिस में जो लड़के रहते हैं ना उसमें भी देख रहा हूँ तो तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है। लड़की में भी? लड़कों में भी। और लड़कों की तो बात छोड़ो यार, सुबह जब नहाने के लिए बाथरूम में देखा, बाथरूम जा रहा था नहाने के लिए, जो बाल्टी होती है उसमें जो पानी में जब मेरी परछाई देखी उसमें भी तुम नजर आए यार। सच्ची? ओह माय गॉड। मैं आपको आपको मजाक लगता रहेगा यार। ठीक है यार तुम मजाक उड़ाए तो, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली। अच्छा। और फिर यार सपने में जो हुआ कि यार फिर हम लोगों के दोनों के बीच में बहुत अच्छा प्यार हो गया। प्यारी समझ गई। और क्या हुआ फिर आगे? तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन यार अभी मैं सुनाऊंगा तो आपको पता नहीं विश्वास होगा कि नहीं यार। और उसके बाद में हमारी बात शादी तक हो गई। अच्छा। पर पता नहीं यार छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं तुम्हारे पापा की तरफ से। अच्छा क्या हुआ था ऐसा? बोल रहे कि लड़का बहुत अच्छा है। मतलब पसंद आ गए तुम? पसंद आ गए। ओह माय गॉड। तो आगे क्या सोचा फिर सपने में? अच्छा, नहीं, सपने में क्या सोचा फिर? नहीं सपने में तो जो हुआ और उसके बाद में यार क्या बोलूँ यार, हम यार ऐसी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं गोवा में, है ना, गोवा जा रहे हैं और वहाँ बीच किनारे हम बैठे लेटे हैं और ऐसी अच्छी जगह पे पता नहीं क्या क्या सपने थे। अभी हकीकत कितने नाइटों में देखा है सपने? एक ही रात में? नहीं नहीं वो मतलब एक ही सपना आया था और आज ही रात आया था, लेकिन पूरी कुंडली मतलब पूरा पूरा जन्म मतलब पूरा जैसे होता है ना पूरी जिंदगी का है। तो मैं सोच रही हूँ सपना देखे कि ये तो 10-15 दिन का सपना एक ही दिन में देख लिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक ही दिन में देखा। एक ही दिन में देखा यार मैंने। और बताओ और क्या चल रहा है लाइफ में? बस मेरी लाइफ में बस काम काम काम। आप ही बता दो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अरे यार मैं उदास हो आप तो? नहीं नहीं यार मैं उदास नहीं हूँ वैसे। बिंदास हो? बिंदास तो बिल्कुल मैं बिंदास हूँ। जब तो आके पार्क में बैठे हो? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा किसी और के साथ बैठे हो आप। मैं से आई हूँ आपके। अच्छा यार तो मैं मेरे यहाँ पे तो कोई नहीं था। कोई नहीं था बट मैं पीछे से आई थी कि आपको पकड़ूंगी सीधा। क्या अच्छा। करता है क्या आखिर? तो फिर पीछे से क्यों नहीं आया फिर? आना था। अच्छी बात है। फिर क्या बोलते हैं, अच्छा फिर तुम्हारी लाइफ का कुछ बताओ यार। तुम्हारा फिर क्या, वो सगाई वगैरह का क्या, फिर आगे आगे क्या प्लान है अभी? आगे तो अभी सोचा नहीं है वैसे। अच्छा। मिल जाए आपकी तरह हैंडसम लड़का। मेरी तरह? हाँ जी। ओ यार यार ये कितनी ऑसम है यार। जी, तो मैं और हैंडसम आज पहली बार किसी ने बोला है मुझे। हाँ हैंडसम हो एटलीस्ट, ऐसा लड़का मुझे चाहिए यार। अच्छा, एक नजर में प्यार हो जाए। अच्छा मतलब मेरे को देख के प्यार हो गया है? सच्ची है क्या लड़की? प्यार हो गया ऐसे? इतने में प्यार हो गया? कितना अपन ने 5-6 मुलाकात की रहेगी ना वैसे, 5-6 मुलाकात। मैंने ये बोला मुझे आपकी तरह चाहिए, ये नहीं बोला आपसे प्यार हो गया मुझे। मतलब दिल तोड़ दिया तुमने। गजब बेइज्जती है। नो नो। चलो कोई नहीं, मेरी तरह मिल जाएगा क्या दिक्कत है, सर्च करो ढूंढो लड़को। अच्छा अच्छा मिल जाएगा क्या दिक्कत है। वैसे लड़का अगर ढूंढना है ना अच्छे दिल वाला होना चाहिए, खूबसूरत और क्या बोलते हैं, खूबसूरत इतना मायने नहीं रखता, दिल इसका अच्छा होना चाहिए। काम करो ना, मैं आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड बन चुकी हूँ तो आप मेरे लिए देख लो कोई अच्छा सा लड़का। इतना तो हक बनता है ना आपका अपनी फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा सा लड़का डिजर्व करना। अच्छा लड़का देख लो, बहुत सारे ऐसा कोई वो बड़ी बात नहीं, ढूंढ लेंगे। हेलो मजाक कर रही थी मैं, ठीक है। अच्छा मुझे तुम्हारी तरह लड़का चाहिए। वैसे अभी यार सोचा नहीं है यार शादी वादी के बारे में। अच्छा सोचा नहीं क्यों? तो उस दिन तो फिर तुम्हारे घर पे वो आए थे। हाँ वो तो बस आ गए थे देखने के लिए, तो अभी सर्च तो करते रहते हैं ना, जरूरी नहीं है कि अब शादी हो जाए। ठीक है हाँ ये भी बात।
मैं तो सीरियस लेके जा रहे थे फ्रेंड लिस्ट में। हाँ मैं तो ढूंढ लेता, दूसरे दिन लड़का तुम्हारे पास हो जाता। फिर बाहर चले कॉफी वॉफी पीने के लिए ऐसा कुछ? अभी ऑफिस का काम छोड़ के आई मैं, नेक्स्ट टाइम पक्का चलूंगी। अरे नहीं यार, पैसे नहीं। ओए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं भाई। कौन है ये? थोड़ा इधर आ जा। हेलो। हाँ नहीं आप छोड़ो, जाने दो, ये पता नहीं कौन है, छोड़ो जाने दो। और फिर नेक्स्ट टाइम कब जाएं बताओ? कॉफी तुम यार एक बार भी मेरे साथ कॉफी वॉफी नहीं पी एक बार भी, ऐसा क्यों? काम है, नेक्स्ट टाइम मैं पक्का चलूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा भी। हां नेक्स्ट टाइम मैं तो मान मान मत देखो यार। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे नहीं यार, ओए क्या हो गया भाई? पहले तो वहां जाके बैठ लो थोड़ा सा। अरे यार क्यों ये? हेलो क्या हो गया तुम्हें? अरे परेशान हूँ वैसे भी, तुम क्यों परेशान कर रहे हो? अपना काम कर लो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही। हेलो, ये तो जोमेटो पर मैं जॉब करता है, जैसे भी करके दिला। क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे प्रॉब्लम है यार बहुत। क्या हुआ बता दो। अरे आप नहीं, आप बात कर लो। अरे भाई लेकिन हुआ क्या है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम, दिक्कत हो गई? पैसे की प्रॉब्लम है यार। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्ट। तो किससे बात कर रहा है, क्या क्या मतलब? फोन पे तो कुछ भी बोल रहा है किसी को, कौन है ये फोन पे? फिर क्या? अरे किसी का रूम पे रहता था, मतलब उनको अभी आज रेंट देना था, ये बोल रहे हैं मुझे रेंट दे दो नहीं तो सामान उमान फेंक दूंगा, ऐसे बोल रहे। अच्छा तो मतलब क्यों, कितना रेंट क्या है मतलब, और क्या क्या काम करते हो वैसे आप? जोमेटो में। जोमेटो बॉय में? अच्छा डिलीवरी मैन हो आप? बाप रे, ये तो यार ये तो बहुत मेहनत का काम है यार, तू ना हर घर पे जाके डिलीवरी करते हो ना, फिर पूरा दिन घूमते हो, क्या करें, जॉब नहीं मिलता ये करना। तो ये भी तो जॉब, अच्छी जॉब है यार ऐसा तो। हाँ वही कर रहा। वैसे ये इतनी बड़ी टी शर्ट किसकी है? इतनी बड़ी कंपनी वाले ने छोटी टी शर्ट नहीं दी तुम्हें? नहीं मेरे मालिक को दिया था, मालिक का पेट भराना इसलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मालिक भी तुम्हारा यार, क्या बोल रहा है यार, कुछ दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तुम्हारा मालिक को भी जॉब करता है बड़े और पेट बड़ा है, क्या क्या मतलब है? नहीं पेट बड़ा है ना इसीलिए। मालिक का पेट बड़ा है? अच्छा मालिक का पेट बड़ा है यार इसको। अच्छा छोड़, मालिक की ऐसी की तैसी जाने दे, छोड़ो। ऐसा कैसे मालिक तुम्हारा कैसा है, कंजूस है क्या? हाँ एक पैसा भी नहीं देता है, पता है परेशान हो गया। अच्छा सुनो, मतलब मुझे छोड़ो जाने दो, मालिक गया तेल लेने। मुझे सच बताओ कि कितने टाइम से जॉब करते हो? कितने टाइम से जॉब करते हो? करीब एक साल से कर रहे हैं। एक साल से करते हो? कितना दिन में कमा लेते हो आप? दिन में वही 500-700, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, ऊपर से पेट्रोल भी डालना पड़ता है गाड़ी में। पेट्रोल भी डालते हो? पेट्रोल नहीं तो पानी डाल दे, पेट्रोल नहीं है बाइक में। पेट्रोल? अच्छा पेट्रोल जाता है बाइक, क्यों? बाइक का भी देना पड़ता है रेंट। अच्छा एक्टिंग की बादशाह कसम से, बाइक भी रेंट पे? क्या करूँ, घर का कितना रेंट है कि आपको घर से निकाल रहे हैं? घर का तो है लगभग 2 महीने का रेंट है। 2 महीने का? 2 महीने का कितना होता है फिर? अभी बोल रहे 8,000 के आसपास। 2 महीने का? 2 महीने का 8,000। अच्छा 8,000। अच्छा चल ठीक है फिर। मतलब ऐसा क्या सिचुएशन बनी, तू कमा रहा है जैसे आपने अभी बोला कि मैं दिन का 700-800, 500-600 कमा रहा हूँ, तो फिर आपके पास में पैसे क्यों नहीं है? फिर कभी मतलब बचते नहीं है ना, फैमिली को भी देखना पड़ता होगा यार। फैमिली? हाँ फैमिली भी। फैमिली के साथ रहते हो क्या? नहीं फैमिली के साथ तो नहीं, वैसे अकेले ही रहते हैं। अच्छा अकेले रहते हो। अच्छा तो फिर टेंशन ना लो यार, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे यार बात हुई है ना, पैसे तो देना पड़ेगा कैसे भी करके। अरे पैसे कोई बड़ी, देखो दिल होता है, दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, पैसे कोई मायने नहीं रखते। कितने आपने कितने बोले? 8,000 के आसपास। 8,000। सुनो मैं मेरी बात सुनो, आप टेंशन ना लो, मैं आपको देता हूँ। ठीक है आपसे कैसे ले सकते? अरे सुनो तो मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुन ले। देख भाई मैं हूँ बिजनेस मैन, ठीक है? प्रॉब्लम में हो लो और अपनी लाइफ में एंजॉय करो, ठीक है? मैं किसी और से और मालिक को बोलो कि इतनी कंजूसाई ना करे, तुम्हारा मालिक है ना, मेरे को कभी गुस्सा आ जाएगा तो उसका पेट फोड़ दूंगा। सच बता रहा, 1, 2, 3, 4, 5 ये लो 10,000 रुपये। अरे ले लो 10, मेरी बात में आप रेंट भर देना और 1-2,000 रुपये मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है? ऐसे ऐसा मतलब टिप समझो,
क्योंकि मेरे घर पे भी जोमेटो बॉय आया था, मैं 2000 रुपए टिप देता हूँ। बात सही है आपकी, ऐसी देखो आज की दुनिया में कोई हेल्प नहीं करता। देखो लेकिन मैं हूँ बिजनेसमैन, मैं देखो मेरे घर पे दूध वाला, पेपर वाला, अखबार वाला बहुत सारे लोग आते हैं, उनको जितना पेमेंट होता है उससे 5000, 2000, 3000 एक्स्ट्रा देता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि गरीबों की हेल्प करने से दुआ मिलती है, और जब दुआ ऊपर जाती है ना वो हमें ऊपर लेके जाता है दुआ। ऊपर का मतलब क्या, मर जाते हो? अरे शाबाश बेटा, बहुत अरे यार देखो मेरी बात वो नहीं, आप देखो गलत सोच रहे हो, मरने का नहीं बोल रहा, मतलब प्रोग्रेस, हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस, हमें कोई लाइफ में दिक्कत नहीं आती क्योंकि हम गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी कभी तो इतनी करते हैं कि पूरी लाइफ का हम जिम्मा ले लेते हैं कि हाँ तेरी लाइफ का आज तक कितना खर्चा होगा मैं पे करूंगा। आप टेंशन मत लो, आप जाओ ठीक है, और अपनी लाइफ में खुश रहो ठीक है। चलो ठीक है, मिलना कभी, हमेशा आपका अच्छा हो, आपके जैसा कोई भला आदमी आज के, बिल्कुल थैंक यू। नहीं अबे पैर मत छू भाई, पैर मत छू, ठीक है जाओ। ओएमजी तुमने तो यार सच में दिल जीत लिया मेरा। अरे नहीं पता है क्या, देखो महान मैं मेरे घर पे ना बहुत, मैं भी पिज्ज़ा वगैरह मंगवाता हूँ, तो मेरे घर पे पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय वगैरह आता है, बहुत सारे लोग आते हैं जो एक जैसे रेगुलर दूध आता है, रेगुलर चीज़ें होती हैं, तो यार देखो वो कितनी मेहनत करते हैं। सेम मैं भी दे देती थी लेकिन कुछ लोग ना कुछ ऐसे निकल गए थे। क्या हो गया मतलब? अच्छा आप, अच्छा अच्छा समझ सकते हो क्या हो गया था, क्या हो गया था? बस वही पिज्जा बॉय आता था, ऐसे ही लड़का था। अच्छा वही कह रहा मैं आपको लाइक करता हूँ ये वो। अरे नहीं जस्ट टूटी थी। अच्छा आप बोल दिया कि मुझे इतना गुस्सा आया ना। अरे नहीं देखो मेरी बात सुनो, देखो अगर वो मतलब जैसे जोमेटो बॉय वगैरह कोई उल्टा सीधा बोले ना, हमें शांत रहने का। पता है एक जोमेटो बॉय था जो मेरे को ना थप्पड़ मार दी थी ऐसे ही, तो भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं बोला, गरीब का बेटा है कोई बात नहीं, एक मैं शांति से बैठा मतलब समझ रहे हो, तो उसको कुछ नहीं बोला, देने का यार दे, अपने पास इतने पैसे हैं छोड़ो जाने, मैं तो देता रहता हूँ। अभी मैं दे देती से लेकिन फिर मुझे पुरानी वाली बात याद आ गई। अरे नहीं वो छोड़ो यार, देखो माइंड में आ जाता है ना, उसके माइंड में आ जाता है, और उस बंदे ने जो मेरे को थप्पड़ मारी उसने सॉरी भी बोला, तो फिर मैंने भी बोला छोड़ो जाने दो, सॉरी मैं गलती करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई सॉरी बोले तो वो बहुत बड़ी बात है समझ, सॉरी बोलने के बाद में गलती मानी नहीं जाती, ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा हाँ ये बात है। चलो आपकी बात मुझे याद रहेगी। वही तो चलो और बताओ फिर, और क्या, और हम क्या बात कर रहे थे यार, ये बीच में आके दिमाग खराब कर लिया इसने, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ यार कॉफ़ी पीने के लिए बात कर रहे थे, तो बताओ क्या क्या करें बताओ। और देखो हम अगली बार जाएंगे ना यार बहुत बड़ी होटल में जाएंगे, अभी तो फिलहाल टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? टाइम नहीं है कि अभी मैं ऑफिस से आई हूँ रिसेंटली, आपने बुलाया और मैं। अच्छा तो अभी घर पे भी नहीं गए ना? आपका ड्रीम सुनने के आई थी। अच्छा नेक्स्ट टाइम हम पक्का चलेंगे। ओके अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है, तो चलो यार अभी आपको मैं घर पे छोड़ दूँ कि आप मतलब अभी गाड़ी वाड़ी ड्राइवर के साथ है कैसे? अभी तो मैं ऑफिस से ही आई हूं, ऑफिस जाने के बाद फिर मुझे। अच्छा वापस जाओगे? हां वापस जाना पड़ेगा फिर। अच्छा आप कहां जाओगे, ऑफिस जाओगे या घर जाओगे? नहीं यार मैं तो ऑफिस से, मैं बोला यार मैं कल आऊंगा। मतलब आप घर जाओगे? मैं घर पे जाऊंगा। अच्छा गाड़ी से आए? हां मैं, मेरा तो वो गाड़ी है थार से आया था। ओके तो फिर मैं निकलती हूं। हां ठीक है फिर, ऑफिस भी जाना है। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक सपने सच हो जाए।